जोहानिसबर्ग में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया पहली पारी में 202 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, लेकिन इस मैच में एक ऐसा वाकया भी देखने को मिला, जब भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी आउट हुए तो उनके आउट को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई। हनुमा विहारी बाउंस बॉल पर साफ तौर पर अपना विकेट गवा दिए, लेकिन गेंदबाज की बॉल को लेकर हंगामा मचा है और यहां तक कहा जा रहा है कि रबाडा की बॉल नो बॉल थी और एम्पायर ने बॉल नो बॉल नहीं दी, यानी हनुमा विहारी नॉट आउट थे, नो बॉल पर वो कैच आउट हुए और एम्पायर ने नो बॉल पर हनुमा विहारी को आउट दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो रबाडा का पैर लाइन से थोड़ा सा बाहर है और हल्का सा लाइन पर टच हो रहा है, और ऐसे में माना जाता है टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा बहुत चलता है, और इसलिए एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया। हालांकि एम्पायर का नो बॉल नहीं देने पर एम्पायर पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ये नो बॉल भी दिया जा सकता था, क्योंकि आप देख सकते हैं हल्का सा ही पैर लाइन पर टच सा हो रहा था। इसको लेकर हनुमा विहारी और केएल राहुल ने भी एम्पायर से बात की, लेकिन एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया और हनुमा विहारी को आउट करा दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये नो बॉल दी जानी चाहिए थी, या फिर एम्पायर का जो डिसीजन है नो बॉल नहीं देने का वो ठीक है? क्या कहना है आपका, आप कमेंट करके हमें बताएं।